हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है और एक्सेस में इस बात पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये लिया मैंने ऑर्डर आईडी, फिर आइटम नेम, फिर कस्टमर आईडी। तो ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, तो ये ऑर्डर आईडी तो हमेशा अलग होगी क्योंकि इसे मैंने बनाया प्राइमरी की, ठीक है। कस्टमर आईडी एक हो सकती है इसलिए इसको फॉरेन की बना दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी, ये हर प्रोडक्ट की अपनी एक अलग आईडी होगी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ कर रहा है। हम ये नहीं चाहते कि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करे। इसका डेटा टाइप आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डेटा टाइप मैंने लिया, प्रोडक्ट आईडी को नंबर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ कर रहा है, और अगर हम ये नहीं चाहते तो ये कैसे संभव होगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यू ही ना अलाउ करे। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडफोन, ये देखिए यहाँ पर लिखा मैंने हेडफोन, ओके, और यहाँ पर A01 ये सेम कस्टमर आईडी है और इनका नाम भी तो सेम ही होगा, राम ही होगा, तो ये राम लिख दिया। अब यहाँ पर हम नहीं चाहते कि यहाँ पर सेम जो है प्रोडक्ट आईडी डाले, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी अलग आईडी है। देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट है तो अलग अलग आईडी भी होगी इसकी। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ कर रहा है, लेकिन हमें ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखनी। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, इसके लिए आप जाएंगे डिजाइन व्यू पर, और यहाँ पर जिसमें भी आपको डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करना है तो वहां पर चले जाइए, उस डेटा टाइप पे चले जाइए, और यहाँ पर आपको मिलेगा इंडेक्स्ड। ये देख सकते हैं इंडेक्स्ड लिखा हुआ आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जाना है और यहाँ पे देना है यस नो डुप्लीकेट्स, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और बस यहाँ पर ओके करिए। और इस तरीके से अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे ही मैंने नो डुप्लीकेट किया है तो फिर ये आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है हमको। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं मैं, जैसे ही यस कर रहा हूं तो ये कह रहा है द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज ओके इन इंडेक्स। तो इसको सही करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको यस डुप्लीकेट कर देते हैं यहां से, और इसके बाद ओके प्रेस करते हैं, यहां से क्लिक करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं इनको चेंज कर लेते हैं, 112 कर देता हूँ, 113, और फिर ये 114 करना होगा तभी ये अलाउ करेगा। तो ये 114 कर दिया हमने और यहाँ पर इसको सेव कीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के डिजाइन व्यू पर और इसको बना देंगे यस नो डुप्लीकेट्स, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करके और यस कर देंगे इसको। तो अब ये देख सकते हैं कि अब ये वैल्यूज जो है अलाउ कर रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू हम यहाँ पर नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ बोया माइक, और इसकी जो इसके लिए कस्टमर आईडी सेम है, और यहाँ पर नाम तो राम ही रहेगा क्योंकि ये कस्टमर भी सेम है। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं 111 अगर ये देने की कोशिश करता हूं तो ये लेगा नहीं और हमें आगे ही नहीं बढ़ने देगा जब तक कि हम, देखिए इसको हटाना ही पड़ेगा हमें, तो यहां से इसको हटा देता हूं। अब यहां पे 115 कर देता हूं तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। इस तरीके से जो प्राइमरी की का काम है वो इसके थ्रू भी आप करा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्राइमरी की होगा नहीं, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये आकर के और इंडेक्स में हमने कर दिया है नो डुप्लीकेट्स, ये प्राइमरी की नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइमरी की सिर्फ हमारी ऑर्डर आईडी है, सिर्फ यही प्राइमरी की है, ओके। तो इस तरीके से अब यहाँ जाकर के आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी कि इंडेक्स्ड में डुप्लीकेट वैल्यू हमें नहीं रखनी है, तो इंडेक्स से जाके सेटिंग कर सकते हैं आप इजिली। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।